हमारी पृथ्वी इतने सारे रहस्यों से भरी हुई है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम सभी इस पृथ्वी पर रहकर भी इसके बारे में थोड़ी सी बातें ही जानते हैं। आप में से शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां पर कभी सूर्यास्त नहीं होता। हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। लेकिन अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। स्वैलबार्ड, नॉर्वे और यूरोप का कुछ भाग जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि यह सब कुछ कैसे होता है और क्यों होता है। आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी पृथ्वी गोल है और वह एक निश्चित वृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार घेरे में एक चक्कर पूरा करती है तो इसे हम एक वर्ष का समय मानते हैं। जिस घेरे में पृथ्वी चक्कर लगाती है उस घेरे में अपने अक्ष पर पृथ्वी एकदम सीधी रेखा में मौजूद नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और पृथ्वी का यह झुकाव 23.5 डिग्री है। मान लीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी रेखा में स्थित है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ मौजूद है वहाँ पर दिन होगा और जो सूर्य के विपरीत दिशा में मौजूद है वहाँ पर रात होगी। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और इस वजह से समय समय पर सभी देश सूर्य की तरफ आते रहेंगे और अंधेरे में भी जाते रहेंगे और यह क्रम चलता ही रहता है। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊपरी हिस्सा जिसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं और सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसे दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, पृथ्वी के ये दोनों हिस्से समय समय पर सूर्य की तरफ आते रहते हैं और फिर अंधकार में भी चले जाते हैं और इस तरह से 24 घंटे के क्रम में दिन और रात चलते रहते हैं। लेकिन यह हमने कल्पना के आधार पर माना था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी रेखा में स्थित है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के इस झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा थोड़ा सा सूर्य की तरफ आ जाता है और 23.5 डिग्री झुकाव के कारण जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब चाहे कितने ही देश दिन और रात की प्रक्रिया से गुजरते हैं लेकिन उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा सूर्य की तरफ ही रहता है। फिर पृथ्वी कितने ही अपने अक्ष पर चक्कर काट ले, लेकिन यह भाग झुकाव के कारण हमेशा सूर्य की तरफ ही रहेगा और इस वजह से इस भाग में 6 महीने तक दिन रहता है। लेकिन 6 महीनों के बाद पृथ्वी के उत्तरी भाग में अंधेरा छा जाता है और यह लगभग 6 महीनों तक चलता है, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य की आधी परिक्रमा पूरी कर लेती है तो इस झुकाव के कारण ऊपरी भाग वाला हिस्सा अंधकार में चला जाता है और पृथ्वी के नीचे वाला हिस्सा जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं वह सूर्य की तरफ आ जाता है और फिर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीनों तक दिन रहता है। जब पृथ्वी दूसरी बार सूर्य की आधी परिक्रमा पूरी कर देती है तो उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर फिर से रात हो जाती है और उत्तरी ध्रुव पर फिर से दिन हो जाता है, जो आगे 6 महीनों तक चलता है और फिर यह क्रम चलता ही रहता है और इसी कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात होती है। अब हम पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जो लंबे दिनों के लिए काफी मशहूर मानी जाती है। यहाँ पर कई महीनों तक सूर्यास्त भी नहीं होता है। नॉर्वे कंट्री दुनिया के सबसे अमीर और धनी देशों में भी शामिल है। नॉर्वे कंट्री में केवल 40 मिनट की रात होती है। ईरानियन एक ऐसा देश है जहाँ की रातें काफी लंबी होती हैं। ईरानियन लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंटर सीजन को, जिसे याल्डा नाइट भी कहते हैं, बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और इस याल्डा नाइट को वर्ष की सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 21 दिसंबर इस दिन को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।